रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक था गधा। लेखक हैं श्री काजल कुमार और वाचन अनुराग शर्मा का। एक जंगल था, स्याह जंगल। जंगल में एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं देता था। उस जंगल में एक सियार था और एक था गधा। गधा सियार से कहीं अधिक बड़ा और बलशाली था, लेकिन था तो गधा ही, इसलिए सियार ने उसे अपने प्रश्रय में रखा हुआ था। सियार मांस खाता था और गधा खाता था घास। एक दिन सियार को घास में भी स्वाद आ गया और वो घास भी खाने लगा, यहां तक कि वो गधे के हिस्से का सारा जंगल खा गया। उस रात गधा भूखा सोया था। गधा रात को लेटा तो उसने फैसला किया कि वो सुबह होते ही सियार को ढूंढकर दुलत्ती मारकर विदा कर देगा उस जंगल से। सुबह सियार उसे ढूंढता हुआ आया और बोला, ओ मुझे पता लगा कि कल रात तू भूखा सोया। ओ बहुत बुरा हुआ। खैर कोई बात नहीं, तू मेरे साथ आ, मैं तुझे दिखाऊंगा कि खाने के लिए घास कैसे उगाते हैं। गधा तो गधा ठहरा, मान गया और फिर पेट पर पत्थर रखकर सियार के प्रश्रय में हो लिया एक बार फिर घास उगने की उम्मीद में। उस जंगल में घास भी 5 साल में एक ही बार उगता था।